सिंधिया का छलका दर्द, बता दें कि अपने अल्पप्रवास पर गुना पहुंचे सिंधिया सर्वप्रथम मावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने मावन की जनता को संबोधित किया, वहीं महिलाओं को गले लगाकर उनसे हालचाल भी जाना तथा परिवार की कुशल मंगल भी पूछी। इसके बाद सिंधिया का काफिला आगे बढ़ा और एक आम सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने मंच पर से कहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो गुना की जनता मुझे नकार दे रही है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि विधानसभा चुनाव में केवल गुना और शिवपुरी की जनता ने सिंधिया के प्रेम को टुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनका और गुना की जनता का रिश्ता बरसों पुराना है, जो हमारे पूर्वजों ने एक साथ मिलकर जोड़ा है, जो आज भी कायम है। वहीं मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का भ्रमचाल नहीं जो आज रिश्ता बनाया और कल टूट गया। सिंधिया इस कदर व्यथित थे कि उन्होंने जनता से कह डाला कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब मैं देखना चाहूंगा कि गुना शहर की जनता में उन्हें कितने मत दिए। साथ ही दुख भी जाहिर किया कि मोदी लहर में उन्होंने सिंधिया का साथ छोड़ दिया। वहीं सिंधिया ने यह भी कहा कि यदि उनसे कोई गलती हो गई है तो वे उसे सुधारेंगे। अपने विकास कार्यों की दुहाई देकर जनता से वोट की अपील भी की। इस रिश्ते को बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने मेहनत की है, इस रिश्ते को बनाने के लिए मेरे पूर्वजों ने मेहनत की है। ये मोदी जी का जादू का रिश्ता नहीं है जो एक दिन में बन जाए और दो दिन में टूट जाए। ये मोदी जी का दिमाग का रिश्ता नहीं है कि वोट लो और भूल जाओ। ये दिल का रिश्ता है, ये दिल धड़कता है तो ये गुना के लिए धड़कता है, अशोक नगर के लिए धड़कता है, शिवपुरी के लिए धड़कता है, ग्वालियर के लिए धड़कता है, मुरैना के लिए धड़कता। अगर मेरी गलती हुई हो तो मुझे जरूर बताना, उस गलती को भी सही करने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश मैं करूंगा। लेकिन दिल जरूर दुखता है। अगर आप मेरी जगह में होते और अगर आपने मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य किया होता, समर्पित भाव से कार्य किया होता, अगर आपने मेरे लिए विकास किया होता, प्रगति की होती, संकट का समाधान बनकर अगर आप आए होते और बाहर का कोई अतिथि आकर मुझे बहला कर ले जाता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? मोदी जी की हवा में मेरी गुना की जनता मुझे छोड़ के चली गई। क्या बीतता होगा मेरे ऊपर? गुना लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा में से सारी विधानसभा हम जीते हैं, 6 के 6 हम जीते हैं, केवल गुना शहर और शिवपुरी शहर ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिस गुना शहर के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, आपके हर संकट का समाधान मैं लेके आया, क्या आप अगर मेरी जगह में होते तो क्या आपको बुरा हो सकता? अगर मैं राजनीतिज्ञ हूं, अगर मैं नेता हूं तो मैं कहता आपको आज बोल कोई बात नहीं, लेकिन मैं नेता नहीं, मैं नेता नहीं, मेरी गुना की जनता, मैं इंसान हूं, इंसान बुरा लगता है, मैं पत्थर नहीं, मैं इंसान हूं, मैं दिमाग से काम नहीं करता आपके लिए, मैं दिल से काम करता हूं। और अगर कोई व्यक्ति ये खून का एक बूंद अगर इस शरीर में ज्वालामुखी की तरह तड़पता है तो आपके लिए तड़पता है। अगर उस भावना का एहसास है तो आज मैं देखना चाहता हूं, इस बार 12 तारीख को मैं देखना चाहता हूं कि इस भारत की संस्कृति के देश में, इस भारत की भावनात्मक भावना की देश में क्या सत्य की जीत होगी या मिथ्या की जीत होगी। तारीख के मतदान के बाद गुलाबगंज की जनता 23 तारीख को पेटी खुलेगी, तब मैं गुलाबगंज की पेटी खोलूंगा, जब खुलेगा तब उस पेटी को मैं देखूंगा और तब मैं आपको कहूंगा कि या तो सत्य का जीत हुआ है या मिथ्या का जीत हुआ है।